स्वागत है आपका सत्य नेशन में। और आगे बढ़े उससे पहले ये वीडियो देखिए जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस की सियासत गर्म है, और इसके बाद भाजपा नेताओं ने इस बयान को प्रमाणित करने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। राज्यों को मिल कहां रहा है वो बताए हमको कुछ दे रहे हो तो। हमने मैं वीसी में बैठा था प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने जब ये कहा कि 1,00,000 करोड़ रुपए हमको राज्यों को मदद चाहिए और जो लोन लेने की 3% की बाइंडिंग है आरबीआई की, उसको आप बढ़ा के 5% कर दो, और जो हमारे अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं उनके भी छूट दे दो आप आरबीआई की तरफ से, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना तो हमसे आप कुछ मांगो और ना आप कुछ करो, 2 दिन अखबार में छप जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। अब बताइए उसके बाद क्या करें हम। तो मैं रघु शर्मा जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जिक्र आपने किया कि आपने 1,00,000 करोड़ रुपया जो राज्यों के हिस्से का है वो मांगा और प्रधानमंत्री ने कहा आपसे कि कुछ मांगिए मत, तो जरा इसको और इलेबोरेट करके बताएं कि किस काम के लिए आप मांग रहे थे और प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे आपको मना क्यों कर दिया, पहली बात। और दूसरी, जब रैपिड टेस्टिंग किट खराब है, आपने उसकी जांच कर ही ली, तो अब आईसीएमआर की गाइडलाइन का क्या मतलब है? अगर वो कहते हैं जांच करो तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आपको तो रिजल्ट मिला नहीं। और दोनों मंत्रियों सवाल है, केंद्र से क्या क्या शिकायतें आप लोगों की हैं या पूरा सब कुछ अच्छा अच्छा है? देखिए, कोई शिकायत नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये शिकायत का वक्त भी नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी को, मैं वीसी में बैठा हुआ था, जो पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ की थी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी राज्यों को 1,00,000 करोड़ का पैकेज आप एकमुश्त दे दो। उसमें क्या है, जो बीजेपी के रूल स्टेट है वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी यही कहा कि हम आर्थिक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, 14 राज्य तो वेज एंड मींस के स्थिति में पहुंच गए हैं, तनख्वाह देने की स्थिति नहीं है उनकी, तो आर्थिक हालत पूरे राज्यों की खराब है, चाहे वो कांग्रेस रूल स्टेट हो, चाहे बीजेपी रूल स्टेट हो, चाहे अन्य राज्यों के हो, तो जो परिस्थिति है वो प्रधानमंत्री के सामने रखना कोई गलती बात नहीं है, ना राजनीति है। अब वो क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं ये उनके ऊपर है, हमारा पक्ष रखने का अधिकार हमारा था, हमने रख दिया। इस तरह से ना कोई राजनीति करने की इच्छा है, हम भी जानते हैं भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसी गाइडलाइन का अक्षर से पालन राज्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार वहां पे काम कर रही हो। एक भी बयान पब्लिक में हम लोग कभी नहीं दे रहे, हम जानते हैं इस बात को कि इस महामारी से लड़ने में हमें राजनीति को परे रखना चाहिए और हम परे रख भी रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। अब राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सीधे आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस की महामारी में केंद्र राज्यों की मदद नहीं कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों ने मदद मांगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया कि हमसे कुछ भी मत मांगो और आप भी कुछ मत करो, 2-3 दिन अखबार में छप जाएगा, अब आप बताइए ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। शर्मा ने ये बातें बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पत्रकार वार्ता में कही, और इसके बाद चाहे भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया हो या केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल हो, लगातार बयान की निंदा करते हुए कह रहे हैं कि या तो बयान को प्रमाणित करे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। सतीश पूनिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए अपने बयान को या तो प्रमाणित करें, नहीं तो अपने झूठे और अहंकारी मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्पष्टीकरण दे। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि एक सरकारी मीटिंग का हवाला देकर रघु शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनर्गल बयानबाजी की थी, हम 2 दिन से कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को वो प्रमाणित करे, लेकिन अपने विभाग में नकारा साबित हो चुके मंत्री अब चुप्पी साधे बैठे हैं। पर प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे एक जनप्रिय नेता के बारे में झूठी बातें करके चुप होने से काम नहीं चलेगा, उन्हें प्रमाण के साथ बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री से उन्होंने कब और कैसे बातचीत की थी, नहीं तो अपने अहंकारी और झूठे मंत्री के झूठ पर खुद मुख्यमंत्री स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कोरोना के संकट के साथ ही कांग्रेस के नेताओं का दिमागी संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है, संकट के इस दौर में भी कांग्रेस के नेता बदजुबानी और गणित राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी पर झूठ बोलकर एक बार फिर अपनी सरकार की कमियां छुपाकर जनता को बरगलाने की कोशिश की है। श्रीमान शर्मा का कहना है कि मोदी जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि न हमसे कुछ मांगो और न खुद कुछ करो,
स्वास्थ्य मंत्री को शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए देश के प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाना लोकतंत्र का अपमान है। ये राजस्थान की जनता का अपमान है जिसे कांग्रेस को राज्य की सत्ता सौंपी थी ताकि संकट के समय उन्हें मदद मिले, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस सरकार ने उल्टी गंगा बहा दी है। मैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को चुनौती देता हूँ कि वे अगले 24 घंटे में प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध कही गई अपनी बात साबित करके दिखाए, अन्यथा मोदी जी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी लिया है अपने आरोप पुष्टि करने के लिए। मैं गहलोत जी से भी अपील करता हूँ कि सच क्या है वे बताएं। क्या मोदी जी ने वही कहा था जो आपके मंत्री महोदय बता रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से कि आपने एक कथित जिम्मेदार नेता ने संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरीके का सरासर झूठा और राजनीति को कलंकित करने वाला बयान कैसे दिया? प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल बोलकर अगर अपनी राजनीति चमकाई जा सकती तो कांग्रेस को उसका झूठ मुबारक हो। अगर सच्चाई सामने लाना मेरा काम है, मैं इस झूठ को जनता के सामने लाकर रहूंगा। मेरी शर्त भी कायम है कि यदि स्वास्थ्य मंत्री अपनी बात साबित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से मोदी जी से माफी मांगनी होगी। और उधर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी जी के लेकर बयान दिया, उस समय वे स्वयं सीएम अशोक गहलोत जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। कोरोना आपदा जैसी वैश्विक महामारी में स्वास्थ्य जैसे जिम्मेदार महकमे के नेतृत्व करने वाले मंत्री जी को इस मामले को राजनीतिक रूप देने का प्रयास अनुचित है। केंद्र सरकार द्वारा हर संभव सहायता देश के प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई है तथा संकट की इस घड़ी में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना वैश्विक पटल पर हुई है। स्वयं मोदी जी ने 3 बार राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के हालातों को जाना तथा उनकी जरूरतों को गंभीरता से सुना। उसके बावजूद जिम्मेदार पद पर बैठे हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान इस वैश्विक महामारी के दौर में अशोभनीय है। बने रहिए लगातार बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ सत्य नेशन पर। अगली खबर लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और घरों में बने रहिए। लॉकडाउन का पालन कीजिए।